अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप डेमो दूंगा कि किस तरह से एक इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग प्रोवाइडर प्लेस हुए बच्चों को रजिस्टर कर सकता है, किस तरह से वेबकैम से फोटोग्राफ अपलोड करनी है और कौन कौन सी फील्ड्स हैं जो एडिटेबल हैं और फोटोग्राफ चेंज करने का ऑप्शन किस तरह से होता है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि डैशबोर्ड के ऊपर पी एस टी डब्ल्यू का ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करेंगे। ये हमारा सबसे पहला स्टेप है, स्टेप वन। ट्रेनीज प्लेस में आएंगे आप। जब आप ट्रेनीज प्लेस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो लिस्ट मौसूल हो जाएगी जो भी बच्चे बी बी एस वाई डी पी की तरफ से आपके अकाउंट में प्लेस हुए हैं। यहाँ पर आप किसी भी बच्चे को सर्च कर सकते हैं नेम वाइज या सी एन आई सी वाइज। मैं एक नेम देख के सर्च किया है तो ये आ गई जोया। मैं अगर इसको रजिस्टर करना चाहूँ तो मैं राइट क्लिक करूँगा और रजिस्टर ट्रेनी पे जाऊँगा। स्टेप नंबर टू है हाउ टू रजिस्टर ट्रेनी। राइट क्लिक करेंगे, रजिस्टर ट्रेनी पे क्लिक करेंगे। जब आप रजिस्टर ट्रेनी पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। इसके अंदर जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो होती है फोटोग्राफ की। फोटोग्राफ आप सिर्फ कैमरा के थ्रू ही आप दे सकते हैं और कोई इसका ऑप्शन नहीं है। आप कैप्चर फ्रॉम कैमरा में जाएंगे। स्टेप थ्री है फोटोग्राफ को अपलोड करना। कैप्चर फ्रॉम कैमरा में जाएंगे तो आपके पास एडोब फ्लैश प्लेयर ऑन हो जाएगा, उसको आपने अलो करना है। जब आप अलो करेंगे तो आपके पास कैमरा का व्यू आ जाएगा। आप सिस्टम के साथ जो भी कैमरा कनेक्ट होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर दो कैमरा हैं तो दो लिस्ट में आ जाएंगी। लैपटॉप के अंदर अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो लैपटॉप के अंदर कैमरा ऑलरेडी बिल्ट इन होता है, एडिशनल कैमरा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो आपको किसी भी ब्रांड का वेबकैम आप लगाएंगे तो हर ब्रांड के वेबकैम इस हमारे सिस्टम में सपोर्टेड है। स्टेप फोर, आप टेक फोटो करेंगे। जब आपका टेप फोटो पे आप क्लिक करेंगे तो फोटो जो आपने कैप्चर की है वो नीचे की विंडो में आ जाएगी। आपने सेव का बटन दबाना है। जब आपने सेव कर दी तो फोटो ऑटोमेटिक इसके अंदर बॉक्स के अंदर आ जाएगी जो ये शो कर रहा है कि आपकी फोटोग्राफ इसके अंदर एडजस्ट हो गई है। फॉर्म के अंदर मजीद पांच फील्ड एडिटेबल होती है, जैसे मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, बच्चे का एड्रेस और बैंक अकाउंट डिटेल। इसके अलावा सारी फील्ड लॉक होती हैं, आप किसी भी फील्ड में चेंजिंग नहीं कर सकते। मोबाइल नंबर अगर सिस्टम में ऑलरेडी अवेलेबल होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो एरर दे देगा, डुप्लीकेट अकाउंट नंबर फाउंड। ये आपको बता रहा है कि सिस्टम के अंदर ये मोबाइल नंबर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप ये इस चीज़ का इत्मीनान कर लें कि आपको बच्चे ने सही मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप बच्चे का सही मोबाइल नंबर सिस्टम में डालेंगे। मैं यहाँ पे नंबर चेंज कर रहा हूँ। अब मैं रजिस्ट्रेशन करता हूँ तो ये मुझे मैसेज देना है, दे रहा है ट्रेनिंग सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। और ये बच्चा आप देखें कि ये रजिस्टर ट्रेनिंग में अब शो हो रहा है। अब ये प्लेस ट्रेनिंग में आपको शो नहीं होगा, इस ट्रेनिंग की रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो चुकी है, ये बच्चा आपके पास रजिस्ट्रेशन में आ गया है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इस चीज़ का इत्मीनान कर लें जो रजिस्ट्रेशन आपने की है वो सही हुई है या नहीं हुई है, जो फील्ड्स आपने इंटर की हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो सही अपनी जगह पे फील्ड्स लॉक हुई हैं या नहीं हुई हैं। इसके लिए करना आपको ये है कि किसी भी ट्रेनिंग के रिकॉर्ड पे आके आप राइट क्लिक करेंगे और व्यू रिकॉर्ड पे आएंगे। इसमें आप फोटो देख सकते हैं जो हमने फोटो उसमें अपलोड की थी। अब हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से ये फोटो जो मैंने ये अपलोड की ये गलत है। आप फोटो जो अपलोड करेंगे उसके अंदर आपको ये चीज़ का ख्याल रखना है कि बैकग्राउंड में इस तरह की कोई चीज़ नहीं हो।
फोटो के अंदर जो ट्रेनी के फेस पे इफेक्ट कर रही है। आपको करना सिंपली ये है कि बैकग्राउंड आप एक कलर का ले लेंगे सिंपल, जैसे पासपोर्ट साइज हम फोटोग्राफ लेते हैं ब्लू कलर का या किसी भी कलर का, आप एक शेड का बैकग्राउंड रखें और फेस को आप क्लोज रखेंगे। ये तमाम ज़रूरी है फोटो लेने के लिए। अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे तो बच्चे को फिर प्रॉब्लम होगी बैंक अकाउंट वगैरह खुलवाने में। अगर फोटो वगैरह अगर हमारे पास ऑफर लेटर में अगर विजिबल नहीं हुई तो बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए हमें फोटो जो हमें लेनी है वो एक सिंगल बैकग्राउंड के अंदर हो और क्लोज हो। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या स्टेप होगा। आप बैक करेंगे, उसी ट्रेनी को आप वो एडिट रिकॉर्ड के अंदर आप आएंगे, एडिट रिकॉर्ड के अंदर आके दोबारा से कैप्चर फ्रॉम वेबकैम करेंगे। हेलो कर देना है। इस तरह से बैकग्राउंड की सेटिंग करते हुए फेस को क्लोज करके आप दोबारा से टेक फोटो करेंगे। फोटो नीचे आ चुकी है, इसको जब सेव करेंगे तो फोटो आपके पास फॉर्म पे अपडेट हो जाएगी। इसको दोबारा से एडिट रिकॉर्ड कर देते हैं। तो ये सक्सेसफुली एडिट हो गया। दोबारा से इसको हम व्यू रिकॉर्ड करेंगे ताकि इस चीज़ का इत्मीनान कर लें कि जो फोटो हमने एडिट की है, दोबारा से हमने अपडेट की है फोटोग्राफ, वो सही हमारे फॉर्म पे शो हो रही है या नहीं हो रही। ये आप देखें फोटोग्राफ बिल्कुल ये सही आ गई है। किसी भी कलर का बैकग्राउंड हो लेकिन आपने फोटो जो अपलोड करनी है वो सिंगल कलर में करनी है। और फोटो अपलोड के वक्त आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि फोटो नज़दीक से लें, दूर से ना लें। मज़ीद अगर किसी भी सिलसिले में आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई आपको इसके अलावा भी कोई इश्यू आ रहा है, तो आप अपने कंसर्न प्रोग्राम ऑफिसर से, अपने DMC से मज़ीद आगाही ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया।